WWE में चैंपियनशिप जीतना हर रेसलर की चाह होती है, जिससे उनके करियर में उनकी एक अलग पहचान बनती है। पर हर रेसलर को इसके लिए काफी कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, जिसमें किसी को ज्यादा समय लगता है और किसी को कम समय लगता है। ऐसे ही WWE में कुछ ऐसे रेसलर हैं जिन्होंने बहुत कम ही एज में WWE वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप जीती हुई है। दोस्तों, हम इस वीडियो में WWE हिस्ट्री के 5 ऐसे सुपरस्टार के बारे में जानेंगे जिन्होंने बहुत ही कम उम्र में WWE वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप जीती है। तो कैसे हैं आप, मेरा नाम है आमिर और आप देख रहे हैं आमिर डॉक्यूमेंट्री यूट्यूब चैनल। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। रैंडी ऑर्टन इस लिस्ट में नंबर 1 पर आते हैं। इन्होंने मात्र 24 साल की एज में WWE वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए नंबर 1 कंटेंडर बनने के साथ साथ उन्होंने क्रिस बेनोइट को हराकर WWE हिस्ट्री के सबसे यंग एज के चैंपियन बन गए। इस रिकॉर्ड को कोई आज तक नहीं तोड़ पाया है। मात्र 24 साल की एज में रैंडी ऑर्टन WWE वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बने, जो WWE हिस्ट्री में एक अलग ही रिकॉर्ड है। WWE के बीस्ट ब्रॉक लेसनर इस लिस्ट में नंबर 2 पर आते हैं। ब्रॉक लेसनर ने WWE में आते ही अपना एक अलग नाम बनाया था, पर वो एकदम से हाईलाइट तब हुए जब उन्होंने हॉलीवुड के सुपरस्टार दी रॉक को WWE चैंपियनशिप के लिए सीधा चुनौती दे डाली थी। फिर SummerSlam 2002 में ब्रॉक लेसनर दी रॉक को हराकर WWE चैंपियन बने थे। उस समय उनकी एज मात्र 25 साल की थी। इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर आते हैं दी रॉक। WWE और हॉलीवुड में दी रॉक ने अपना एक अलग ही मुकाम हासिल किया है। ये अभी हॉलीवुड में एक्टिव रहते हैं। सर्वाइवर सीरीज 1998 में दी रॉक ने मिक फॉली को हराकर WWF चैंपियनशिप जीती थी। तब उनकी उम्र सिर्फ 26 साल की थी। उस समय दी रॉक का स्टोरी लाइन के अकॉर्डिंग कंपनी के मालिक विंस मकमेन के साथ काफी विवाद भी चल रहा था। इस लिस्ट में दी अंडरटेकर चौथे नंबर पर आते हैं। WWE में सबसे बड़े लेजेंड दी अंडरटेकर ही हैं और विंस मकमेन की सबसे बड़ी क्रिएशन में से एक दी अंडरटेकर हैं। इनके नाम WWE का हर एक रिकॉर्ड भी रहा है। काफी कुछ इन्होंने WWE में हासिल किया है। साल 1991 में जब इन्होंने लगभग WWE को साइन ही किया था, तब दी अंडरटेकर ने सर्वाइवर सीरीज 1991 में हल्क होगन को हराकर WWF चैंपियनशिप अपने नाम करी थी। उस समय इनकी एज मात्र 26 साल 8 महीने की थी। इसी के साथ दी अंडरटेकर ने एक रिकॉर्ड और बनाया था। बिना कोई मैच गवाए इन्होंने 2 साल तक इस टाइटल को अपने नाम किया हुआ था। इस लिस्ट में 5वें नंबर पर आते हैं जॉन सीना, जिन्होंने WWE में बहुत कुछ हासिल किया है। और जॉन सीना WWE के सबसे हाईएस्ट पेड रेसलर भी हैं। इन्होंने भी बहुत ही कम उम्र में WWE चैंपियनशिप जीत रखी है। जॉन सीना ने अपनी पहली WWE चैंपियनशिप जीती थी जब वे 27 साल 11 महीने के थे। इन्होंने WrestleMania 21 में JBL को हराकर जीती थी अपनी पहली WWE चैंपियनशिप। तो ये रहे दोस्तों WWE इतिहास के 5 ऐसे रेसलर जो सबसे कम उम्र में WWE वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बने। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। और अगर आपने हमारे चैनल आमिर डॉक्यूमेंट्री को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।